अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखा। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक स्कूल का निरीक्षण करने गए हुए थे। वो बिल्कुल मनीष सिसोदिया स्टाइल के अंदर एक स्कूल में जाते हैं, एक क्लास में जाते हैं, उस क्लास में फिर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो नियत तो दिखी जाती है क्योंकि वो क्लास आर्टिफिशियल लग रही थी। उस क्लास में 12 कुर्सियां थी, आगे डेस्क नहीं था, तो बच्चे लिखेंगे कैसे? तो जाहिर था कि क्लास बनाई गई है। मुझे खुशी हुई ये देख के कि इस देश के अंदर अब सरकारों को और मुख्यमंत्रियों को स्कूलों के अंदर जाना पड़ रहा है। इसकी एक भूमिका है कि वो क्यों गए थे। उसके कुछ दिन पहले उनके कुछ अहंकारी मंत्रियों ने, उनके उप मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया कि मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश में आए, हमसे वाद विवाद करें, डिबेट करें शिक्षा के ऊपर। हम उनसे डिबेट करने को तैयार हैं, हम उनको अपने अच्छे स्कूल दिखाएंगे। उन्हें लगा कि इनको चुनौती देते हैं, ये आना तो है नहीं। इन्होंने, उनको क्या पता था ये पहुंच गए वहाँ। तो ये लखनऊ पहुंच गए, बोले आ जाओ, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ना तो वो डिबेट में आए, ये पूरा दिन बेचारे बैठे रहे वहाँ पे, इनका इंतजार करते रहे। वो ना तो डिबेट के लिए आए, ना उनको स्कूल दिखाने आए। तो फिर जब कोई नहीं आया तो ये बोले चलो मैं ही दिखाता हूँ, जब इतनी दूर आया हूँ दिल्ली से, हवाई जहाज का खर्चा करके लखनऊ आया हूँ। तो ये वहाँ पे स्कूल देखने पहुँच गए तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताओ भाई, ऐसा क्या करने जा रहे थे? स्कूल देख लेने देते, चलो खराब थे स्कूल, कोई बात नहीं, देख लेने देते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने रस्ते में रोक लिया, सारी पुलिस ने, इनको स्कूल नहीं देखने दिया। तो उसके बाद बहुत थू हुई उत्तर प्रदेश सरकार की। फिर हमें तो क्या दिखाने थे, मीडिया ने जा जाके इनके स्कूल दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिए ये हैं इनके स्कूल। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा और अपना जिला गोरखपुर जिले के है ना, वो गोरखपुर के स्कूलों की बुरी हालत दिखाई मीडिया वालों ने। तब उनको लगा यार ये स्कूल में तो जाना पड़ेगा, तो तब वो अब स्कूल में होके आए। स्कूल में गए, उन्होंने एक दो कक्षाओं में गए, बच्चों से बातचीत वातचीत करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं, गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है, पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा, जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है, जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सके, जानबूझ के ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके
इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो, इनको अनपढ़ रखो, पूरे इस देश की जनता को अनपढ़ रखो, इनको गरीब रखो। जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, एक षड्यंत्र के तहत रखा गया, और ये पिछले 6 साल ने साबित कर दिया। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की जनता ने जो शिक्षा व्यवस्था देखी है, पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्रांति आई है, उसने इन दोनों पार्टियों की जड़ें हिला दी। अगर ये 6 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसी की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आई और अब जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की 0 सीट आई। अगर इस देश के लोगों को पढ़ा दिया तो पूरे देश के अंदर इन दोनों पार्टियों का यही हाल होगा। अगर लोग पढ़ गए, लोग अगर पढ़े लिखे हो गए, तो पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी।